दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुरानी लोहे की अलमारी पर पेंट करकर उस पर पॉलिश कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको पॉलिश वाली लुक देनी है तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको यही कलर रखना है जो सेम हुआ है इसके पर, ग्रे कलर, तो आप यह भी कर सकते हैं। कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है। कहीं कहीं पर इसमें जंग भी लगा है और पपड़ी भी बनी हुई है इसकी, तो वो हमें सारा रिपेयर करना है। उसके बाद में हम इस पर पेंट करेंगे। ये देखिए इसकी कंडीशन, ये देखिए यहाँ पर जंग लगा हुआ है, तो इसको भी हमें साफ करना है अच्छी तरह से। इसके अंदर साइड भी पेंट करना है हमें और बाहर साइड भी पेंट करना है। इसको बिल्कुल हमें नया करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। देखिए अंदर भी यही कलर हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है कलर यही हुआ है। तो सबसे पहले इसकी करनी है हमें सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम इसमें पट्टे वाला रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। हमने 120 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल लिया है और पूरी अलमारी के ऊपर इसको लगा देंगे। जहाँ पर जंग लगी हुई है वहाँ पर भी लगाएंगे, जहाँ पर नहीं लगी है वहाँ पर भी लगाएंगे। पट्टे वाला है रेगमाल हमारे पास, ये देखिए पट्टे वाला रेगमाल है, जैसे कि जंग लगी हुई है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा दबा के मारना है, पूरा जंग हमें साफ करनी है। और इसमें हमने क्या क्या मटेरियल लगाया हुआ है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वो हमें आपको वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में दे दूंगा कि इसमें हमने क्या क्या मटेरियल लगाया हुआ है। इसको हम स्प्रे गन से करेंगे। बाकी अगर आपको स्प्रे गन से नहीं करना है, हाथ से करना है, ब्रश से करना है, तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। देखिए हमने सैंडिंग कर ली है इसकी पूरी। अभी हम इस पर लगा रहे हैं प्राइमर। जहाँ पर जंग लगी हुई थी वहाँ पर हम एनसी प्राइमर इसके ऊपर लगा रहे हैं। बाकी अगर आपके पास एनसी प्राइमर नहीं है तो आप इस पर जो भी पेंट करना चाहते हैं उसको पतला करके जहाँ पर जंग लगी हुई है वहाँ पर मार सकते हैं। हम इसमें इनेमल पेंट करने वाले हैं। हम ये डीको प्राइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर जहाँ पर भी जंग लगी हुई है वहाँ पर इसको हम लगा देंगे, जिससे कि इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, जल्दी जंग नहीं लगेगी। देखिए ये देखिए प्राइमर का डब्बा है हमारा। ये देखिए अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। उसके बाद में इसकी हमें रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए हम इसमें दो पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक पुट्टी जो होगी वह बड़े होल के लिए होगी और दूसरी जो पुट्टी होगी वह छोटे मोटे होल के लिए होगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये बड़ा होल है, उसके लिए हम इसमें 2K पॉलिस्टर पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2K पॉलिस्टर पुट्टी है, इसमें हार्डनर पड़ता है और यह तुरंत सूख जाती है। एक बार में आपको जितनी लगानी है, जितना बड़ा होल है इसे आपको उतना ही बनाना है। ज़्यादा बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाती है। देखिए हार्डनर मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 20-30 सेकेंड के अंदर ही इसको हमें लगा देना है, जहाँ पर भी हमें लगाना है, नहीं तो ये सूख जाती है, ख़राब हो जाती है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, एक साथ में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये देखिए बन चुका है। अभी इसके जो बड़े होल हैं उसको हम भर देंगे इस तरीके से। बाकी आप चाहें तो इसी पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे मोटे होल भरने के लिए भी। बड़े होल भरने के बाद में अब इस पे हम एनसी पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसी पुट्टी, जिसको डीको पुट्टी भी कहते हैं, इसको आप चाहें तो पूरे अलमारी के ऊपर खींच सकते हैं या फिर जहाँ पर होल है छोटे छोटे वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए जो हमने बड़े होल भरे हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होगी तो वह भी इससे कवर हो जाएगी।
एनसी पुट्टी है ये, इसी तरीके से करनी है। तो चलिए मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अगर पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं करने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पुट्टी कर ली थी हमने और पुट्टी सूख भी गई है, कम से कम एक घंटा हो गया है इसको। अभी हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। सैंडिंग करने के लिए हम इसमें 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी के साथ में यह रेगमाल लगाना है हमें, और पूरी अलमारी के ऊपर लगाना है हमें। जहाँ पर हमने रिपेयर किए हैं वहाँ पर भी लगाना है, जहाँ पर रिपेयर नहीं की है वहाँ पर भी हमें रेगमाल लगाना है। मतलब रेगमाल हमें पूरी अलमारी के ऊपर लगाना है ताकि जो मिट्टी वगैरह जमी हो वह भी साफ़ हो जाए, और जो हमने रिपेयर किए हैं वह भी पूरा लेबल पे आ जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए मैं इसकी सैंडिंग भी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सैंडिंग बस इस तरीके से करनी है आपको, बस जहाँ पर पुट्टी भरी है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पुट्टी बराबर हो जानी चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। ये है हमारे पास पेंट, एक है वाइट इनेमल पेंट और दूसरा है गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन है, इसको हम बाहर करेंगे, जो वाइट है वो हम अंदर करेंगे, अंदर वाले हिस्से में। और पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होगा। देखिए ये वाइट है, इसको हम थोड़ा सा स्काई कलर में लाएंगे, स्काई ब्लू कलर करेंगे हल्का सा। तो इसमें हम स्काई इसमें हम डार्क ब्लू यानी कि ऑक्स ब्लू पेंट मिलाएंगे वाइट में, तो ये स्काई कलर में चला जाएगा। ये देखिए जितना भी आपको डार्क करना हो उस हिसाब से आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, जितना आप डार्क करेंगे उतना ही यह डार्क टोन पे ब्लू टोन पे होता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। दोनों पेंट को पतला करने के लिए तारपीन के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम पड़ता है। अगर आपको ब्रश से करना है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से उतनी बढ़िया सफाई नहीं आ पाती है जितनी बढ़िया स्प्रे गन से सफाई आती है। बाकी अगर करना है तो आप कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके हम अंदर वाला पेंट कर लेते हैं, और ये कपड़े से अच्छी तरह हमने साफ़ कर ली थी रेगमाल लगाने के बाद में, अंदर बाहर दोनों ही जगह पे हमने साफ़ कर लिया था। अंदर भी जहाँ पर जंग वगैरह लगी थी वहाँ पर हमने साफ़ करके अच्छी तरह से कर लिया था इसको। इसका हमें एक कोट ही करना है, बाकी अगर आपको डबल कोट करना है तो डबल कोट भी कर सकते हैं। हम इसको एक कोट में ही पूरा फिनिश कर देंगे अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत से कलर अवेलेबल हैं, सारे कलर आपको रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट में। इनेमल पेंट में सारे कलर आते हैं। इनेमल पेंट 100 ग्राम की भी पैकिंग में आता है, 50 ग्राम की भी पैकिंग में आता है, 200 ग्राम आधा लीटर 1 लीटर की पैकिंग में मिल जाता है। ये कलर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, हमारे पास वाइट पड़ा हुआ था तो हमने उसी में ब्लू मिक्स करके इस तरह का कलर बना लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स अंदर वाला पेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप बढ़िया हो गया है। एक कोट में ही हमने अच्छी तरह से इसको मार दिया है, सिंगल कोट में ही। अभी हम बाहर वाला पेंट करेंगे जो कि है हमारा गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट, क्योंकि हमें इस पर लकड़ी वाली लुक देनी है, रेसा बनाना है, इसलिए हम इसमें गोल्डन ब्राउन पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर आपको रेसा नहीं बनाना है तो आप कोई भी कलर मार सकते हैं, ब्राउन करना है तो ब्राउन भी कर सकते हैं, या फिर और कोई कलर करना है तो और भी कलर कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले वाला कलर करना चाहते हैं तो पहले वाला भी कलर कर सकते हैं। इसका भी हम सिंगल कोट ही मारेंगे, गोल्डन ब्राउन इनेमल पेंट, नेचुरल कलर की हमें इस पर पॉलिश करनी है, पॉलिश वाली लुक देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने पूरा पेंट कंप्लीट कर लिया है, देखिए बाहर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अंदर भी हो गया है, हमारा सारा पेंट कंप्लीट हो गया है। अभी इसको सूखने देते हैं 8-10 घंटे, उसके बाद में हम इस पर वुड ग्रेन बनाएंगे, रेसा बनाएंगे। ये देखिए बढ़िया फिनिश हो गई है इसकी।
अगर आपको ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। हम वुड ग्रेन बनाने के लिए इसमें इनेमल पेंट का इस्तेमाल करेंगे, ब्राउन कलर के इनेमल पेंट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर आपको सेना पाउडर से बनाना है तो सेना पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम कपड़े से ही इसके ऊपर रेसा बना रहे हैं, अगर आपको टूल का इस्तेमाल करना है तो टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे भी आपको रेसे चाहिए हो, पतले मोटे, उस हिसाब से आप इस पर रेसा बना सकते हैं। इनेमल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम रेसा बनाने के लिए, ब्राउन कलर के डार्क ब्राउन इनेमल पेंट का। ये देखिए इस तरीके के रेसे बन गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इस पर रेसा भी बना लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है हमें। अभी इसको हम सूखने देते हैं एक दो घंटा, उसके बाद में हम इस पर लगाएंगे टचवुड ग्लोसी, जो कि शाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टचवुड ग्लोसी का। देखिए इस तरह के हमने रेसे बना लिए हैं, हमें इसी तरीके के रेसे बनाने थे, क्योंकि जो और भी कपबोर्ड हैं तो वह भी इसी तरीके से बने हुए हैं, इसी कलर में, तो हमने इस तरह का कलर बना दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। अभी हम इस पर टचवुड ग्लोसी मारेंगे, टचवुड ग्लोसी। ये देखिए बर्जर कंपनी का है, वुड कीपर 1 KPU, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, और ये 1 लीटर की पैकिंग है। ये आपको आधा लीटर भी मिल जाती है मार्केट में, और 200 ग्राम भी मिल जाता है मार्केट में। 1 लीटर की MRP है 552 रुपये। इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है, जो हमने पेंट में मिलाया था वही तेल इसमें भी इस्तेमाल होगा। 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम पड़ेगा। इसको आप ब्रश से भी मार सकते हैं, कपड़े से भी मार सकते हैं, और स्प्रे गन से भी मार सकते हैं। ये देखिए इस तरह का होता है हमारा टचवुड। बाकी आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, कंपनी सभी बनाती हैं टचवुड को। ये देखिए इस तरह का होता है, क्लियर होता है ये, इससे शाइनिंग आएगी। अगर आप हाथ से करते हैं तो आप एक दो दो तीन हाथ इस पर मार दीजिए, जिससे कि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप ब्रश से मारते हैं तो एक कोट में ही काम हो जाएगा, अगर आप स्प्रे गन से मारते हैं तो भी एक कोट में ही काम हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इस पर एक कोड मार के दिखा देता हूँ, टचवुड ग्लोसी। इससे बस शाइनिंग आएगी और कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी फ्रेंड्स हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है, पूरी ये फाइनल हो चुकी है। अंदर भी देखिए पूरा बढ़िया पेंट हो गया है, चमक रहा है पूरा, और बाहर भी शाइनिंग आ गई है। एक कोट ही हमने मारा है टचवुड ग्लोसी का, बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सूखने के बाद में। तो हमने इसको भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।